फ्रेंड्स, तो मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निक सेट होम पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम कंट्रोल का पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वॉल्यूम कंट्रोल के ऊपर पहले भी दो वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को उस चीज़ का समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उसमें वायरिंग करके नहीं बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा वायरिंग के साथ बता दूंगा। तो जो ऐसे वॉल्यूम कंट्रोल लगाते हैं वैसे भी मैं आपको समझा दूंगा। ये डबल चैनल स्टीरियो वाला है और ये वाला भी आपको समझा दूंगा। इसे आप 4.1 या 2.1 जैसे भी या स्पेयर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो है इसे मैं ऐसे पीसीबी में भी लगाना और पीसीबी में असेंबल करना आपको बताऊंगा। छोटा सा एकदम पीसीबी लगेगा। और अगर आपके पास पीसीबी नहीं है तो आप ऐसा वाला भी कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में दोनों समझा दूंगा, एक पीसीबी वाला भी और एक ये वाला भी। पीसीबी वाला को आप स्पेयर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पीसीबी में रहेगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और स्पेयर वाला का तार वार थोड़ा ढीला हो सकता है ऐसे वाला का, तो इसीलिए मैं आपको पीसीबी वाला भी समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आज इंडिपेंडेंस डे है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे सब इंडियन फ्रेंड्स को। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं ये वाला बताऊँगा, फिर ये पीसीबी बनाना आपको बता दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये वाला जो मेरे पास जो ये पोटेंशियोमीटर था 47K का, जिसमें मेरा वायर सोल्डरिंग था, मैंने उसे निकाल दिया है आप लोगों को समझाने के लिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सोल्डरिंग के लिए आपको बता देता हूँ मेरा वायर किस प्रकार है। ये जो है ये मेरा इनपुट में है, ये इनपुट का वायर है जो कि मैं ये USB किट से ये इनपुट लूँगा उसका ये वायर है। और ये वाला, ये तीन वायर, ये आउटपुट का है। तो चलिए अब हम ऐसे ही इसे सोल्डरिंग करेंगे। मैं सोल्डरिंग आयरन को ऑन कर लिया हूँ और अब आप देख सकते हैं। तो ये जो है मैं इनपुट का वायर यहाँ पे लगाऊंगा, ये दो जो बीच में है, मैं आपको इससे समझा देता हूँ। ये जो दो ठोक वायर है बीच का, ये और ये वाला, आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों में मैं लेफ़्ट और राइट दूंगा। और यहाँ पे ग्राउंड का वायर, और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट आउट निकलेगा, और यहाँ पे ग्राउंड का वायर। तो ऐसे ही मैं जोड़ता हूँ, अब आप देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये जो आउट का वायर है इसे हम बाद में जोड़ेंगे, पहले मैं इनपुट का जोड़ लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो इनपुट का वायर है मैंने कैसे सोल्डरिंग किया है। आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। लेफ़्ट राइट मैंने दोनों प्लेट के बीच वाले में लगाया है, और ग्राउंड को मैंने साइड में लगाया है। आप सामने से भी देख सकते हैं ये कैसे है, आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा आएगा। अब मैं यहाँ पर दो ठोक जो है ये आउट कर, तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग होगा। आप देख सकते हैं ये एक चैनल हो गया, ये एक चैनल, और फिर ये ग्राउंड हो गया। तो आपका ये इसी प्रकार से सोल्डरिंग होगा, मैंने आपको पूरा सोल्डरिंग करना बता दिया। ये जो है ये आउटपुट की वायर है, आप देख सकते हैं, और ये जो है इनपुट की वायर है। तो आपको, मेरे को लगता है कि आपको सबको समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम कंट्रोल किस प्रकार से काम करता है। ये आपका आउटपुट इनपुट का वायर है। अब मैं आपको लास्ट में इसे चला के दिखाऊंगा, उससे पहले हम अपना पीसीबी बना लेते हैं, ये वाला पीसीबी। अब मैं आपको पीसीबी भी बनाना सिखा देता हूँ इसी वीडियो में।
तो फ्रेंड्स पहले तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा मेरे पास ये पीसीबी का ये बोर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने इसमें थोड़ा बड़ा होल्स किया है इसको लगाने के लिए, मैं ये लगा लिया हूँ। और इसके लिए मैंने एक ठोक ये ऐसा वाला पिन लिया है जो कि मैं ये यूएसबी किट में से इनपुट लूँगा। ये मेरा इनपुट का वायर है, आप देख सकते हैं इसमें जो ये ब्राउन वाला है ये वाला मेरा ग्राउंड का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम इसे बनाएंगे अभी, और ये वायर को मैं इसे बराबर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने अपने कंपोनेंट्स को जैसे हमें यूज में चाहिए वैसे हमने इसे कर लिया। ये वायर का मैंने ग्राउंड वायर को थोड़ा छोटा कर लिया क्योंकि ग्राउंड हमारे यहाँ पे रहेगा तो इनपुट यहाँ पे रहेगा, तो ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है हमारे पास ये बेस है, आप चाहें तो डायरेक्ट वायर भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं ये इनपुट का जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास एक ही ठोक है, तो मैं ये आउटपुट के लिए रख रहा हूँ इसे। तो आप देख लेंगे ये जो इसका बीच से जो है ये लाइन, यहाँ से एक ठोक देख के इसे थोड़ा दूर में ऐसे इसे ऐसे लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसे ये मैं ऐसे लगा दिया, और अब जो है ये हमें इन्हें थो सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले, फिर हम इनके कनेक्शन करेंगे। अब देख सकते हैं मैं इनमें फ्लक्स लगा लेता हूँ। मैं आपको सोल्डरिंग करके फिर आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सोल्डरिंग कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा होल होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन जब हम वायर लगाएंगे तो वो हो जाएगा। और यहाँ पे ये दो ग्राउंड वायर है इसे मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसे ग्राउंड को इसके बीच से कनेक्ट करने वाला हूँ, मैं आपको सोल्डरिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो ये ग्राउंड का वायर है इसे सोल्डरिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ से और जो वायर बचे हैं ये दो पिन के, ये भी इसे सोल्डरिंग करके आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स मेरे को थोड़ा काटना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो ये आउटपुट की जो वायर है इसके साथ ये वाले पिन के साथ इसे मैंने सोल्डरिंग कर लिया। आप देख सकते हैं कनेक्शन, ये ग्राउंड की वायर है ये बीच वाली, ये कोने में गई है ये, और ये वाली लेफ्ट और राइट हो गई। और ये जो दो पिन अब हमारे पास बचे हैं ये वाले हमारे इनपुट के हैं और एक ग्राउंड में जाएगा, तो अब हम इसे सोल्डरिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, मैं सोल्डरिंग करके आपको बता देता हूँ, इजी रहेगा। फ्रेंड्स अब मेरा इनपुट वायर और आउटपुट वायर दोनों सोल्डरिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन। ये जो है ये ग्राउंड वाला ग्राउंड में हुआ है, और ये जो है ये इसके ये दोनों साइड वाले में सोल्डरिंग किया है मैंने इनपुट का, और बीच वाले में तो आप देख ही सकते हैं। मतलब जो है फ्रेंड्स वायरिंग डायग्राम पूरा ऐसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया था, आप ऐसे ही एक अच्छा सा पीसीबी बना सकते हैं। और इसमें आप नीचे में टेप लगा दीजिए, अच्छे से बंद कर दीजिए तो ये और अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं ऊपर से ये कितना अच्छा दिख रहा है, इसे आपको यूएसबी किट में लगाना है। और यहाँ से फ्रेंड्स अब हमारा बस इसमें कैप लगाना बचा हुआ है और फिर ये आपका रेडी हो जाएगा। मैं इसमें ये वाला कैप लगा लेता हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये छोटा सा पीसीबी वाला वॉल्यूम कंट्रोल, कितना अच्छा लगता है देखने में। और आप ये वाला भी देख सकते हैं, मैं दोनों को आपको टेस्ट करके बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू फ्रेंड्स कि मेरे अभी 800 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं ये यूट्यूब पे। और अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, पहले ये वाला टेस्ट कर दूंगा और फिर और बाकी कर लेंगे। पहले मेरे पास सिंगल चैनल एम्पलीफायर है तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं ये यूएसबी किट से इसे चेक करूँगा। ये मैंने इनपुट का वायर दोनों में लगाया है आपको बताया था, ये वाला और एक ये वाला। तो पहले हम ये वाला चेक करते हैं, तो मैं इसे अपने 3 वोल्ट की बैटरी से पावर ऑन कर लेता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4440 IC ये स्पीकर के साथ यूज़ किया हुआ है, मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ अभी और वॉल्यूम कंट्रोल करके भी दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स मेरे कई लोगों दोस्त लोगों ने मुझे पूछा है कि बेस और ट्रेबल भी कैसे कंट्रोल करते हैं, तो फ्रेंड्स अभी तक मैं उसके बारे में कोई सर्किट मतलब बना नहीं पाया हूँ, क्योंकि अभी मतलब वॉल्यूम कंट्रोल में ही कई लोगों को डाउट था, तो मैं वॉल्यूम कंट्रोल को अभी अच्छे से कर पाया हूँ। और फिर इसके बाद मैं आपको एक ऐसा सर्किट बताऊँगा जिसमें आप बेस ट्रेबल मिड और वॉल्यूम टोन सब एक साथ कंट्रोल कर सकेंगे, ऐसा मैं कुछ सर्किट लाऊँगा कुछ दिन में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल बहुत काम आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कंट्रोल आपका स्टार्टिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं इसको अभी आपको कंट्रोल करके इस यूएसबी किट में लगा के अभी दिखा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये यूएसबी से इसे पावर ऑन कर लिया, और आप देख सकते हैं कि इसका इनपुट का वायर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और आउटपुट का वायर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था
यहाँ पे आप देख सकते हैं कोना सिल्वर वाला ये जो वायर है हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड को मैंने एक से कनेक्ट कर लिया। अब मैं ये ब्लू वाले वायर को इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसे कंट्रोल करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना स्मूथली इसका वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है। आप देख तो फ्रेंड्स इसमें एक जो वायर बचा है ये हमारा ग्राउंड हो गया। और आप अगर डबल चैनल में यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला वायर भी लगाने का, लेकिन मैं ये सिंगल चैनल 44-40 है तो मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको भी इसी में जोड़ लेता हूँ। आप देख सकते हैं फिर भी कंट्रोल होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसे पॉज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये वाला जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल हमने बनाया था ये वाला काम कर रहा है। ये वाला हमको ग्राउंड रहेगा और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। अब मैं ये जो ग्राउंड वाली वायर है इसको पहले ये सर्किट से कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसको ये यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। एक तो ग्राउंड वाली जो वायर है इसमें ये सर्किट के ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया मैंने ये ग्राउंड वाली वायर को। फ्रेंड्स मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। मैंने इसको पॉज में रखा हुआ है और आपको अब मैं इसकी वायरिंग बता देता हूँ मैंने कैसे किया है। ये जो ये ब्राउन वाला वायर है इसे हमने ग्राउंड में लिया था, तो ये ग्राउंड को मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया हूँ। और ये जो ये आपको ये रेड और ब्लैक दिख रहा है ये आपका लेफ्ट राइट है, इनमें से आप दोनों में से कोई भी कनेक्ट करेंगे तो आपका आवाज़ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब अगर आपका डबल चैनल है तो उसमें ऑप्शन रहेगा आपको बाजू बाजू में ऐसे लगाने का, जैसे कि हमारे यहाँ पे है ऐसे ही डायरेक्ट आप सीधा सीधा उसमें लगा देंगे तो आपका वॉल्यूम कंट्रोल होकर आवाज़ चालू हो जाएगा। मैं इसे प्ले कर लेता हूँ अभी और इसमें एक वायर रेड वाला पहले कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। बचना हो अब मैं इसमें से वॉल्यूम आपको एकदम जीरो में आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे रेड वायर की तो टेस्टिंग हो गई है। अब मैं इसे ब्लैक में भी लगा के देख लेता हूँ कि हमारा डबल चैनल दोनों अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसे मैंने ब्लैक में लगा लिया है। अब मैं इसे फुल कट ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा हो और आपको ये वॉल्यूम सर्किट भी अच्छा लगा हो। और आपको मेरे को पता है कि आपको इस वीडियो से पूरा वॉल्यूम कंट्रोल कैसे काम करता है और इसे कैसे कनेक्शन इसका होता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा सोल्डरिंग करके और आपको पूरा पीसीबी में बना के बताया।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मैं चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक और स्पीकर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स।